महाराज जी, आज के यूथ को जो एंजाइटी और स्ट्रेस इश्यूज हो रहे हैं, उसके तीन मेन रीजंस है, कंपटीशन, कंपैरिजन और लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे डील करें? देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको बाहर निकलना चाहिए, यूथ को एक चीज समझना चाहिए, आज के समय में भारत का पूरा यूथ सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए भाग रहा है, नथिंग एल्स। लाख में कोई एक आध बच्चा होगा जो केवल अपने भविष्य के लिए सोचा, सिर्फ सब डिग्री के लिए भाग रहे हैं। डिग्री के लिए ना भाग करके नॉलेज के लिए जाएंगे तो वो बाहर निकल पाएगा। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये कुछ है ही नहीं जीवन में। लोग अपने आप को, मेरा ये मानना है कि बच्चे अपने आप को बहुत हल्का आंक रहे हैं, क्योंकि वो हजारों के साथ बैठते हैं, तो हजारों के बीच में सोच ले कि मैं अकेला हूं, सिंगल हूं, तो कंपैरिजन नहीं करेगा। मैं आपको अपनी बताता हूं, जब मैं 12th से पास आउट होकर के कोचिंग गया था अकाउंट्स के लिए, सो हमारे टीचर ने हमसे पूछ लिया था खड़े होकर के पूरी क्लास में, 10th में कितने परसेंट थे। मैंने कहा मैम आप ये छोड़ दीजिए, बाकी कुछ और पूछ लीजिए, मुझे बहुत एम्बेरसिंग फील होगा। तो बोले नहीं तुम बताओ, तो मैंने बोल दिया 50% थे, जितने थे तो बता दिया। तो सभी बच्चे हंसने लगे, तो मैंने अपना कार्ड दिया ये बताने के लिए कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ। मैंने कार्ड दिया, मैडम बोली इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम CBSE से पढ़े लिखे हो। मैंने कहा हाँ मैम। वो मुझसे बोलती है कि CBSE के 50 और MP बोर्ड के 70 बराबर होते हैं, तुम घबराओ नहीं। मैंने कहा मैम मेरे को डिग्री लेना नहीं है, मैं केवल शादी के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पिताजी ने कहा है डिग्री होगी तो लड़की अच्छी मिल जाती है। सो टीचर खुश हो गई, क्लास के बच्चे हंसने लगे, लेकिन टीचर ने एक बात बोली कि बेटा अगर 1 घंटे मुझे दोगे और 1 घंटे घर में खुद को दोगे तो तुम इस बार यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है। मुझसे पहली बार किसी ने कहा कि तुम टॉप कर सकते हो, उसके पहले कभी किसी ने नहीं कहा। फिर मैंने सोचा कि मैडम बोल रही मतलब दम तो होगा, वो HOD है कॉलेज की। जब पढ़ना चालू किया तब मैंने देखा कि इन सबको जो आता है या इन सबको जो कुछ भी नॉलेज है, जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम कर सकते हैं। फिर हमने अपने आप को प्रूव करना चालू किया, कंपटीशन नहीं किया, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चालू किया। और जब हमने अपने आप को इम्प्रूव करना चालू किया तो दुनिया को हमने अपने आप को प्रूव भी कर दिया। तो कंपटीशन और ये जो क्लैरिफिकेशन और बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन की है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये चीजें आपके पास है ही नहीं। एक डिक्शनरी अपनी खुद की बनाई जाए जिसमें सिर्फ अच्छे अच्छे शब्द लिखे जाए, रोज उसको ही पढ़ा जाए, यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे 10-50 शब्दों की डिक्शनरी बनाई जाए, हर पेज में एक शब्द बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाए। लेकिन उसमें नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो हार चुके हो, बहुत लोग खेल रहे हैं, ये शब्द हो ही ना। लाइफ में 2 ऑप्शन लेके चलना, हाँ या हाँ, मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगा, हार का तो कोई सवाल ही नहीं होता।